यस बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। बेटा अभी तक हमने आज से पहले की कक्षाओं में बाजार दर्शन पाठ के बारे में पढ़ा कि बाजार दर्शन किस प्रकार से बाजार को हम सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ जो है, इसमें हमने बाजार का महत्व, बाजार की इम्पोर्टेंस, किस प्रकार से परचेजिंग पावर से जो चीज खरीदता है उसके लिए और जो जरूरत की चीज खरीदता है उसके बारे में हमने ये सब कुछ रीड आउट किया, पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके हमने अभ्यास प्रश्न में अर्थ ग्रहण प्रश्न भी किए। आज हम इसी पाठ के कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं, ठीक है। बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब आपको चार चार वैकल्प दिए जाएंगे, इसके पार्ट दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही आंसर ढूंढना होगा। यहाँ पर आंसर के साथ में हमने ये आज की कक्षा रखी है क्योंकि जब बच्चों को आंसर के साथ में मिलेंगे तो वो बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से अपना लेसन लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए आज की कक्षा में हम बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं पाठ 12 बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, यहाँ पर देखिए आपको चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, विष्णु खरे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर जब हमने लेसन पढ़ा, मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी हम लेसन पढ़ते हैं उसके लिए आप लेखक का नाम लेकर अगर बात करें कि जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है तो कभी भी आप लेसन का नाम नहीं भूल सकते। जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन पाठ के लेखक है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, मित्र मामूली सी चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान खरीद कर क्यों आ गए? क्योंकि उनको आवश्यकता थी, या उनकी वेतन वृद्धि हो गई थी, या पत्नी के कारण, और या बच्चों के कारण। यहाँ पर हमने अभी कल ही पढ़ा था कि पत्नी के कारण वो मामूली सी चीज खरीदने के लिए गए थे और बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पत्नी की ओट का सहारा लिया, तो इसीलिए आंसर पत्नी के कारण इसमें राइट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है, देखो अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है बेटा, अब तो आ रही होगी, बताओ दक्षिता। नाउ बेटा आई एम ऑडिबल। यस मैम, आपने म्यूट कर दिया था तो मैं बोल नहीं पाई थी। ओके बेटा, ओके बेटा, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? विवश मीन्स मजबूर। किसकी गर्मी बाजार से बहुत अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? मौसम की, दिमाग की, पत्नी की, और या पैसे की? पैसे की गर्मी बेटा, देखो पैसे की गर्मी होगी, पैसा हमारे पास बहुत होगा तो हम बाजार से अधिक सामान खरीदने के लिए मजबूर होंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो हम किस प्रकार से बाजार से बहुत अधिक सामान खरीद सकते हैं? विवश मीन्स मजबूर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जो फिजूल सामान होता है, बेकार का सामान होता है, उसको फिजूल समझने वाले लोगों को संयमी कहा जाता है। संयमी मीन्स जो अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। मूर्ख कहा जाता है? नहीं, संयमी यस। खर्चीले? नहीं, स्वाभिमानी? नहीं। तो हमने पढ़ा है, अभी हम पाठ कल ही पढ़कर चुके हैं, तो उसमें हमने ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, इसीलिए आज हम ये एमसीक्यू कर रहे हैं कि हम इस पाठ को भी दोबारा से दोहरा लेंगे और सारे एमसीक्यूज भी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देते हैं? असंतोष की संतुष्टि नहीं होती है, तृष्णा इच्छा, ठीक है, हर चीज की इच्छा, ईर्ष्या जलन, किसी से द्वेष करना, जेलेसी करना, मनुष्य को क्या बना देते हैं? संयमी, संतोषी, बहादुर, बेकार। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या मनुष्य को बेकार बना देते हैं। समझ में आ रहे हैं ना सबको बेटा,
यस नेक्स्ट देखिए, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? ऊंचे बाजार का आमंत्रण वो किस प्रकार से बुलाता है? आकर्षक होता है, अपनी ओर खींचने वाला होता है, मूक होता है, मूक मीन्स चुपचाप से बुलाता है, जो बोलता नहीं है, वाचाल बहुत बोलने वाला होता है, भयंकर बहुत ही भयानक होता है, नहीं मूक होता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण वो चुपचाप सबको अपने ओर आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यस, किस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफी नहीं है? किस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफी नहीं है? सदर बाजार में, गांधी बाजार में, चौक बाजार में, कमेटी में? ये बाजार जैसे चौक बाजार में होंगे, कोई भी चौक होगा तो उसमें हमें चारों तरफ से सारी शॉप्स, सारी दुकान, सारा बाजार दिखाई देगा। तब हमें लगता है जब हम चमचमाते हुए बाजार को देखते हैं और उसमें ढेर सारी चीजें हम देखते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि हमारे पास काफी नहीं है, हमारे पास इस चीज की भी कमी है, इस चीज की भी कमी है। तो ये चौक बाजार के अंदर खड़े होकर, बाजार में खड़े होकर। ओके बेटा, सजा धजा बाजार क्या करता है? जब बाजार बहुत सजा धजा होता है, ये मॉल्स वगैरह क्या है, सजे धजे जो हमें आमंत्रित करते हैं, जो हम सबको बुलाते हैं, क्या निमंत्रित करते हैं हमें, नियंत्रित, नियंत्रित मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, संचालित, संचालन करना, चलाना, संगठित करना, उसको संगठन करना, उसमें मैनेज करना, आमंत्रित बुलाना, आमंत्रित करते हैं किसको, ग्राहक को। सजा धजा बाजार ग्राहक को आमंत्रित करता है। दुकानें जो सजी हुई होती है उनको देखकर हम अपने आप से एकदम से बाजार जाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। जो जो दुकान ज्यादा हमें आकर्षित लगेगी वो हमें अपने आप से बुला रही होगी, उस बाजार, उस दुकान पर हम स्वयं ही जाने की कोशिश में रहेंगे। अब देखिए, आपने बेटा लेसन पढ़ा था कि लेखक का पहला मित्र, पहले मित्र के बारे में आपने पढ़ लिया कि उसने, जब उससे पूछा गया कि आप ये इतना सामान क्यों ले आए हो, तो उसने क्या जवाब दिया था, उसने जवाब दिया था पत्नी की ओट का सहारा लेकर। अब लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आया? वो दोपहर से पहले जाता है दूसरा मित्र और बाजार से कुछ भी नहीं खरीद कर ला पाता, वो खाली हाथ क्यों लौट आया? वो सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, और सब कुछ तो खरीद नहीं सकता था, कोई भी नहीं खरीद सकता सब कुछ, उसके पास पैसे नहीं थे। ध्यान से हर सेंटेंस को रीड आउट करें। वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था। अब देखो, वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था, डीपली पढ़ें तो हमें हर लाइन का आंसर अपने आप से मिलता है। वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। क्या था, एक चीज लेने जाता, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता था, और फिर उसका भाव करता नहीं, दूसरी लेने जाता, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए यह उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा कि वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, वो सब कुछ लेना चाहता था, सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था, वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। एक्चुअली यही बात थी कि वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। ओके बेटा, यस बेटा, नेक्स्ट है, यस बेटा, शोमी थम, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? शोमी थम बेटा, देर इज नो प्रॉब्लम? ओके बेटा, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कि बाजार में क्या है? बाजार में जादू है, वस्तुएं हैं, सौंदर्य है, गति है। ठीक है, वस्तुएं हैं, सौंदर्य है, गति है, लेकिन क्या है, हमने जो इस पाठ में पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि बाजार में जादू है। इस पाठ के अनुसार आंसर हमारा राइट है, बाजार में जादू है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बाजार का जादू किसके माध्यम या राह से काम करता है?
बाजार का जादू किसके माध्यम या राह से काम करता है? आंख की राह से काम करता है। अभी जैसे हमने लेसन में पढ़ा था कि बाजार का जादू आंख की राह से काम करता है, हाथ, नाक, मुंह, आंख। यहाँ पर हमें ये पांच अंग, चार अंगों के नाम बताए गए हैं, लेकिन आंख की राह से देखते तो हम आंख से हैं, हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, आंख के द्वारा पहले हम देखते हैं, भले ही उसको बाद में हम हाथ लगाकर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी आंखें ही चीज को देखती हैं। आंख की राह से बाजार का जादू काम करता है। और फिर जो हमने आंख से चीज देखी हुई है, भले ही आप देखकर आ जाओ, आप घर पर भी आ जाओ, तो आपके सामने वो सारा सीन, वो सारा दृश्य क्या होता है, घूमता रहता है। आपको उन चीजों के बारे में, उन चीजों की जो भी लुक है, जो भी कुछ आपने देखा, वो आपके सामने प्रकट होता रहता है। आंख की राह से काम करता है बाजार का जादू। लू में जाना हो तो, लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? लू में, जैसे गर्मियां हैं उसमें लू चलती है, बहुत धूप होती है, तो उसमें जाना हो तो हमें क्या पीकर जाना चाहिए? कई बार आपकी मम्मा भी कहती है, जब आप बाहर निकलते हो धूप में, बहुत गर्मी में, तो मम्मा कहती है ना कि क्या पीकर जाओ, पानी पीकर जाओ, जिससे कि क्या होगा, हमारे पसीना बहुत आता है, पानी की कमी अंदर नहीं रहती। और लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए हैं, चाय, कॉफी, पानी, गर्म दूध। ओके, तो हमें पानी पीकर जाना चाहिए। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? बाजार की असली कृतार्थता, कृतार्थ होना किसमें है? लोगों को लुभाना। असली जो हमारा भला करता है, बाजार कब करता है? जब हमारी जरूरत के समय काम आता है। लोगों को लुभाना, लुभाना लोगों को ललचाना, ठीक है, सामान खरीदने के लिए विवश करना, मजबूर करना, मोल भाव करना, जो हम क्या करते हैं, अपना भाव बनवाते हैं, ठीक है, आवश्यकता के समय काम आना। क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट? आवश्यकता के समय काम आना, जरूरत के समय काम आना। जैसा कि आपको जिस चीज की जरूरत है, अगर आपको वो चीज बाजार से मिल गई तो बाजार की कृतार्थता होगी। अगर वो चीज हमें नहीं मिली तो हम भी ये समझेंगे कि मेरा बाजार जाना बेकार हुआ। आवश्यकता के समय काम आना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल के दिनों में आपको क्या, जब कोरोना काल में सबको सिर्फ अपनी जरूरी की चीजें बाजार से उपलब्ध हो जाने की ही इच्छा होती थी, और हमारी सरकार ने भी जरूरी की चीजें बाजार में उपलब्ध कराई, उनके लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, लोगों को आवश्यकता के समय चीजें उपलब्ध होती रही, उस समय बाजार की असली कृतार्थता हमारे सामने आ रही थी। नेक्स्ट है बेटा, ठाट देखकर मन को बंद करना क्या है? ठाट देखकर मन को बंद करना, बाजार की ठाट बाट देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर मन को बंद करना क्या है? जड़ता, गति, जीवन या संजीवनी? जड़ता, जड़, जो जिस प्रकार से मन को तो बंद हम कर ही नहीं सकते हैं, ठाट देखकर मन में हमारे बहुत से विचार उत्पन्न होंगे, बहुत सी बातें आएंगी, इसलिए अगर हम मन को बंद करते हैं, ठाट देखकर मन को बंद करना क्या कहलाता है? जड़ता। जड़ तो नॉन लिविंग थिंग होती है, हम तो लिविंग थिंग है, तो हम क्या है, चेतन प्राणी है। मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? यस, मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? निरोध की, झोंकने की, मनमानेपन की, विरोध करने की, संवेग की, संवेदनशील, संवेगता नहीं होनी चाहिए। मन को मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, भगत जी क्या बेचते हैं? कौन बताएगा मुझे, भगत जी क्या बेचते हैं? मनजोत, आप बताइए। मनजोत, अभी कल आपने पढ़ा था
भगत जी क्या बेचते हैं? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। अक्षत, अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोगों ने पढ़ा है तो आप ये बता तो सकते हैं एटलीस्ट। अहान, यस मैम। हाँ जी, भगत जी क्या बेचते हैं? कल पढ़ा था ना हमने लेसन में, बहुत ही एक साधारण सा आंसर है। यस दक्षिता, एक मिनट। हाँ जी दक्षिता। मैम चूरन। चूरन, भगत जी चूरन बेचते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑप्शन अभी आपके सामने नहीं रखा। भगत जी क्या बेचते हैं? चूरन। इस प्रकार भी बेटा आपको आंसर आने चाहिए। भगत जी फल, मेवे, मंजन, चूना। चूना नहीं, चूरन, यहाँ पर चूरन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भगत जी चूरन से प्रतिदिन कितने आने कमा लेते हैं? भगत जी चूरन से प्रतिदिन कितने आने कमा लेते हैं? चार आने, पांच आने, छह आने और सात आने। कितने आने? छह आने चूरन से कमा लेते हैं। बेटा ध्यान से सुना करो, छोटे छोटे से प्रश्न है, यही प्रश्न आपके मार्क्स कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट देखिए, लेखक भगत को चूरन बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहा है? लेखक, लेखक कौन है इस लेसन के? यस अंकुर मिश्रा। अंकुर मिश्रा, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया लेखक कौन है बेटा इस लेसन के। यस अंकुर, अनम्यूट योरसेल्फ। अहान, लेखक कौन है बेटा? जैनेन्द्र कुमार। यस वेरी गुड, जैनेन्द्र कुमार। बीच बीच में ऐसे भी तो प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि आप लोगों को भी कुछ थोड़ा सोचने का अवसर मिले। लेखक भगत को चूरन बेचते हुए 10 वर्षों से देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? संचय की तृष्णा और वैभव की चाह। संचय मतलब सब कुछ इकट्ठा करना, उसकी इच्छा कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। वैभव, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि कि हमारे पास बहुत, मैं सबसे ज्यादा सब कुछ आलीशान तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? निर्बलता, शक्ति, महानता, निर्बलता, सबलता। इससे निर्बलता व्यक्ति की प्रमाणित होती है। बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, जो कुछ भी खरीद सकता है, जिसे पता नहीं है कि उसने क्या खरीदना है। देखिए, अगर हम ऑप्शंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और बिना पढ़े हम टिक कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं, तो आंसर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। हम सारे ऑप्शंस को, क्योंकि हमें एप्रोप्रिएट आंसर देखना है, जिसे आपको लगता है कि एमसीक्यू है, सारे आंसर तो हमारे सामने बहुत आसान है, बट ये एमसीक्यू में अगर ठीक है तो पूरे मार्क्स, अगर नहीं ठीक तो 0 मार्क्स मिलता है। इसलिए बेटा सारे ऑप्शंस पहले पढ़ना चाहिए, यानी कि आंसर ही पहले बता दो, उसका अर्थ देखो, उससे रिलेटेड आंसर को चूज करने की अपनी मतलब बनाओ कि मुझे इसमें से सबसे एक्यूरेट आंसर देखना, जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है। अगर हमें पता है कि हमें क्या खरीदना है तो बाजार को सार्थकता प्रदान होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? अधिक पैसे वाले, जिन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है, जो कंजूस है और जो सन्यासी है। यहां पर देखिए, अधिक पैसे वाले, जिन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है,
जो कंजूस है और जो सन्यासी है। यस दक्षिता, हाँ जी दक्षिता, हमें क्या खरीदना है, जिन्हें पता ही नहीं है बाजार में जाकर कि हमें क्या खरीदना है। जैसे इस लेसन के अनुसार वो कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसे पता ही नहीं था कि उसे क्या खरीदना है, कौन सा व्यक्ति ऐसा था दक्षिता, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे पता ही नहीं था कि उसे क्या खरीदना है? हम लेखक था, लेखक तो गया ही नहीं था, लेखक का मित्र था, लेखक का मित्र था, जो पहला मित्र था जो चीजें खरीदने के लिए चला गया और बंडलों के बंडल उठा लाया था, वो था बेटा। लेखक तो गया ही नहीं था खरीदने, लेखक ने अपने परिचित, अपने जानने वाले और मित्रों की बात इस पाठ में की है, ठीक है बेटा। बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? अधिक पैसे वाले, जिन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है, जो कंजूस है और जो सन्यासी है। क्या है? जो जिन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था? बेटा लेखक से संबंधित भी प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, इसलिए आपको एटलीस्ट उनका जन्म और उनके पुरस्कार आदि के विषय में तो बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, उनके एजुकेशन पढ़ाई के विषय में। जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था? 1901, 1902, 1904 और 1905। 1905 में जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ देखिए, जैनेन्द्र कुमार का जन्म इटावा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर। तो अगर हमें आंसर बेटा याद है तो हम करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। यस दक्षिता, बोलो बेटा क्या कह रहे हो? दक्षिता, यू आर सेइंग समथिंग? मैम एक बार ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, ऊपर वाला। कौन सा? ये 1905 वाला है? कौन सा बेटा? जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था दक्षिता, ये वाला बेटा? यस दक्षिता, यस मैम, यस मैम, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म इटावा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैनेन्द्र कुमार का निधन किस वर्ष हुआ था? निधन मींस, निधन का अर्थ है मृत्यु, उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जैनेन्द्र कुमार की मृत्यु, यहाँ चार ऑप्शन है, 1989, 1990, 1991 और 1992। यहाँ पर क्या है? 1990, यहाँ पर ये पूर्ण विराम है, ठीक है बेटा, तभी आप इसको भी कुछ संख्या समझो। यस नेक्स्ट देखिए बेटा, भारत सरकार द्वारा जैनेन्द्र कुमार को कौन सा सम्मान मिला? भारत सरकार द्वारा जैनेन्द्र कुमार को कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और भारतश्री, ये सारे पुरस्कार अलग अलग हैं, लेकिन जैनेन्द्र कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ओके। नेक्स्ट देखिए, जैनेन्द्र कुमार पर किस बात का प्रभाव है? जैनेन्द्र कुमार पर गांधीवाद, साम्यवाद, रोमांसवाद, रोमांचवाद, यहाँ पर आपने लेसन में पढ़ा था कि उनके ऊपर गांधीवाद का प्रभाव रहा। लेखक, जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र कैसा है? लेखक, जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र कैसा है? नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, अधर्म शास्त्र, अज्ञान शास्त्र। क्या है? अनीति शास्त्र है,
बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र वो है अनीति शास्त्र। नीति शास्त्र कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। धन की ओर कौन झुकता है, धन की ओर कौन झुकता है? निर्धन, विवश, निर्बल और असहाय। अब देखिए, निर्धन तो गरीब होता है और निर्बल कमजोर होता है, इन दोनों में कितना अंतर है। विवश जो मजबूर होता है, असहाय जिसका कोई सहारा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर निर्बल, अभी आपने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, निर्बलता धन की चाह और तृष्णा में निर्बलता दिखाई देती है। नेक्स्ट, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वो साथ ही अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं, बहुत पैसा है उनके पास और बाजार जाकर चीजें खरीदने लगते हैं, तो क्या होता है? बाजार में महंगाई बढ़ती है, झूठ, कपट, ईर्ष्या, इसमें कपट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दिखावा, कपट, ये छल कपट के कारण जो दुकानदार हैं वो ग्राहक को महंगा सामान देने लगते हैं। जब एक को दिया, मान लो एक दुकानदार के पास चार पांच ग्राहक खड़े हैं और एक आदमी ऐसा है कि जो बाजारूपन को बढ़ा रहा है और दूसरे आदमी दो तीन ऐसे हैं कि जिनको जरूरत की चीज चाहिए और वो लेने के लिए आए हैं, जिसके पास बहुत पैसा है वो क्या उस समय कुछ भी परवाह नहीं करेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा भी नहीं उस चीज का दाम क्या है और क्या कैसी है, वो क्या करेगा, जल्दी से उस चीज को खरीद लेगा। और दुकानदार भी क्या करेंगे, उसी के हिसाब से अपना जो धोखा, छल, कपट करके उसको चीज पकड़ा देंगे। और इस प्रकार से बाजारूपन जो लोग बढ़ाते हैं वो साथ ही बाजार के अंदर कपट की भावना भी बढ़ा देते हैं। किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना, पैसे की कौन सी शक्ति है? कोई बहुत ही पैसे वाला है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है, बहुत कुछ है उसके पास, सब कुछ है वो, और अपने प्रति दूसरा आदमी अगर हीन भावना रखे तो उसमें क्रय विक्रय, क्रय खरीदना, विक्रय बेचना, महान, जो महान लोग हैं, व्यंग, व्यंग्य शक्ति, व्यंग्य शक्ति मजाक की शक्ति। जैसा कि आपने लेसन में ये किस प्रसंग में पढ़ा था, कोई बता सकता है? लेसन में ये वाला प्रसंग आपने किस प्रसंग में कहां पर पढ़ा था? यस, कैन यू टेल मी? यस, अहान, अंकुर, कोई नहीं बता सकता कि आपने ये प्रसंग कहां पर पढ़ा था? यस अहान, आप बताओ बेटा। अहान, जब बेटा लास्ट में आपने पढ़ा था कि पैदल जाते हुए व्यक्ति को अगर मोटर गाड़ी जा रही है और धूल उड़ा रही है तो फिर वो अपने भाग्य को कोसने लगता है, ये चीज पढ़ी थी ना आपने, उस समय कहा है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति। जब हम अपने प्रति हीन भावना, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं किसी की समृद्धि को देखकर, पैदल चलने वाला व्यक्ति मोटर गाड़ी वाले व्यक्ति, मोटर गाड़ी जो चल रही है उससे उसके ऊपर धूल उड़कर पड़ रही है, तो उस समय वो अगर हीन भावना अपने अंदर लाता है तो पैसे की व्यंग्य शक्ति कही जाती है, ठीक है। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? बाजार के जादू को रूप का जादू कहा है। शक्ति का जादू, रूप का जादू, धन का जादू या लाभ का जादू? रूप का जादू, उसके सौंदर्य का जादू कहा है। चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति हैं? चूरन बेचने वाले भगत जी संतोषी, संतोष है उनको, इसीलिए वो छह आने सिर्फ कमाते हैं, बाकी का चूरन अपने बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देते हैं। संतोषी, लालची, घमंडी, निर्धन। चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारते हैं? चूरन वाला, भगत जी, मस्त राम, फेरी वाला, भगत जी नाम से पुकारते हैं। चूरन बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई थी? छह आने, आठ आने, एक रुपया, दो रुपए, उसने छह आने से अधिक राशि, धनराशि कभी भी नहीं कमाई थी। मित्र ने लेखक के सामने अपना
क्या फैला दिया था? मित्र ने लेखक के सामने अपना मनी बैग थैला, मनी बैग हाथ रुमाल, मनी बैग फैला दिया था। बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ 1 आना कितने पैसे के बराबर होता है? 2 पैसे, यस, 4 पैसे, 6 पैसे, 12 पैसे। 2 पैसे मतलब गलत, 4 पैसे। 1 आना 4 पैसे के बराबर होता है और वो 6 आने कमाता है तो कितने पैसे कमाए, कोई बता सकता है? यस, 1 आना 4 पैसे के बराबर होता है, अगर 6 आने वो कमाते तो कितने पैसे कमाए? यस काव्या, काव्या, मनजोत, जल्दी बोलो बेटा, अहान, 24 पैसे। यहाँ पर देखो मैथ का अपना आपका एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ। बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गया? लेखक, पत्नी, दोस्त, अकेला। डॉक्टर मिश्र पत्नी, ठीक है, पत्नी के साथ। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ है अर्थहीन। अर्थहीन मतलब धनहीन, अर्थ का मतलब यहाँ पर धन है, मीनिंग नहीं है, ठीक है बेटा। बाजार दर्शन के लिए पैसा क्या है? पैसा पावर है। बाजार दर्शन पाठ के लिए पैसा पावर है। बेटा आज हमने बेटा इस पाठ के एमसीक्यूज किए, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे।